Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो क्या रोमन रेंस के पॉल हेमन गायब बनने के बाद द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एंड द बिग डॉग रोमन रेंस आने वाले हैं एक साथ सेम पेज के ऊपर। इसके अलावा गाइस पेबैक की यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की जो पिक्चर है अब वो काफी हद तक क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है और शायद हमको पता लग चुका है कि कौन सुपरस्टार जीतने वाला है इस मैच के अंदर। इसके अलावा गाइस WWE थंडरडोम के अंदर घुस गए AEW के सुपरस्टार कैनी ओमेगा और सेथ रॉलिंस एंड मिस्टीरियो के कुछ बड़े मैचेस WWE ने ऑफिशियल कर दिए हैं पेबैक पेपरव्यू और नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली वीडियो के अंदर गाइस, आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो ऐसी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी गाइस आप लोग नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर दो। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेथ रॉलिंस एंड रे मिस्टीरियो से। अब आपको पता ही अभी भी इनकी स्टिल मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्टोरलाइन चल रही है और ऐसा लग रहा है WWE की अभी भी लॉन्ग टर्म में है इन दोनों सुपरस्टार्स को आपस में फ्यूड करवाने के प्लान्स। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पेबैक पेपरव्यू की तो यहां पर WWE ने एक टैग टीम मैच को ऑफिशियल कर दिया है और गाइस ये वही टैग टीम मैच जो कि हमको इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिला था। यहां पर सेथ रॉलिंस एंड मर्फी की जो जोड़ी है वो फेस करने वाली है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को। वैसे मेरे हिसाब से WWE को इस मैच को सीधा पेबैक पेपरव्यू के ऊपर ही करवाना चाहिए था। मतलब रॉ पर भी हम लोगों ने जो मैच देखा एक टाइप से वो नो कॉन्टेस्ट में एंड हुआ था क्योंकि वहां पर रेट्रीब्यूशन आ गई थी। तो फालतू में इस मैच की जो हाइप है मेरे को लगता है WWE ने रॉ पर करवाकर थोड़ी सी कम कर दी है। लेकिन गाइस WWE यहीं पर नहीं रुकी और उनकी जो फ्यूड है उसके लिए एक मैच और सेट हो चुका है पेबैक के बाद और अगली मंडे नाइट रॉ के लिए जो कि हमको पेबैक के बाद देखने को मिलेगी गाइस वहां पर सेथ रॉलिंस और मिस्टीरियो का एक सिंगल्स मैच होने वाला है। तो भाई भरपूर एक्शन होने वाला है इस वाली फ्यूड के अंदर। पहले पेबैक के अंदर टैग टीम मैच में होंगे और उसके बाद सिंगल्स मैच में। तो भाई देखो किसका यहां पर अपर हैंड रहता है और कौन मैचेस के अंदर ज्यादा विक्ट्रीज हासिल कर पाता है। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है WWE के थंडरडोम से। अब ये तो मैं आपको अपने चैनल के ऊपर काफी बार बता ही चुका हूं कि कैसे थंडरडोम पर जो फैंस अपीयर होते हैं वो कभी कभी ऐसी चीजें लेकर आ जाते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि क्रिस बेनवा लेकर आ गए थे #FireVelveteenDream हो गया था, कोई मारियो लेकर आ रहा है, कोई बंदा सो जा रहा है। तो WWE को इसको लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे WWE जिन लोगों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करती है यानी कि जिन फैंस का रिकॉर्ड अच्छा रहा है टेलीविजन के ऊपर आने का उनको वो थोड़ा नीचे नीचे लगाएंगे जहां पर कैमरे का फोकस होता है ताकि उल्टी सीधी चीजें ना नजर आए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज भी WWE के कोई खास काम आ नहीं रही क्योंकि गाइस AEW सुपरस्टार जाने माने बहुत ज्यादा बड़ा नाम कैनी ओमेगा गाइस हमको थंडरडोम के अंदर देखने को मिले। अब सबसे पहले जब लोगों ने इसको देखा तो उन्होंने तो बिलीव कर लिया कि कैनी ओमेगा यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने थंडरडोम के लिए रजिस्टर किया है और वो WWE के शो को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गाइस एक्चुअल में यहां पर कहानी अलग है क्योंकि एक फैन था जो कि एक तरीके से पिक्चर को लेकर आ गया था और इस तरीके से जो है कैनी ओमेगा उसने दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर। तो सभी को लगा कि भाई ये कैनी ओमेगा शो को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा यहां पर कुछ है नहीं। हालांकि यहां पर कुछ अलग अलग थ्योरी भी आ रही है कि जैसे कि सच में कोई बंदा है जो कि कैनी ओमेगा के जैसा दिखता है, हालांकि ये कैनी ओमेगा नहीं है। बट इतना तो मैं श्योर होकर कह सकता हूं कि भाई कैनी ओमेगा तो जरा भी रजिस्टर नहीं करने वाले थंडरडोम के लिए कि वो ऐसे बैठ के शो देखेंगे, वो भी WWE का जहां पर भाई इनके बीच इतनी ज्यादा टेंशन चलती है। तो इतना बड़ा नाम आखिर क्यों ऐसा काम करेगा। लेकिन जो भी है भाई असली वाले कैनी ओमेगा तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे थंडरडोम को देखने। इवन कुछ बातें तो ये भी आ रही है कि ये फोटोशॉप इमेज है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। और गाइस हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है पेबैक के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच से जो कि ऑफिशियल है। अब आपको पता है हमको रोमन रेंस वर्सेस द फीन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच एक नो होल्ड्स बार्ड मैच देखने को मिलेगा और आपको पता है इस मैच का जो रिजल्ट है उसके ऊपर काफी ज्यादा डाउट क्रिएट हुआ है। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन के चांसेस आपको पता है सबसे कम है, लेकिन जब बात आती है यहां पर द फीन की तो ऐसे में रोमन रेंस के लिए कहानी यहां पर इतनी भी आसान नहीं होने वाली कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत जाए। स्पेशली यहां पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अभी अभी फीन ने चैंपियनशिप को जीता है समर स्लैम में, तो क्या WWE यहां पर इतना बड़ा डिसीजन लेगी कि वो फीन को 7 दिनों के अंदर ही उनकी चैंपियनशिप हरवा देगी। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं आज हम लोगों ने स्मैकडाउन का जिस तरीके से शो देखा ऐसा लग रहा है कि यहां पर सच में WWE के प्लान्स रोमन रेंस को किसी और पेपरव्यू के अंदर नहीं बल्कि सीधा पेबैक के अंदर ही यूनिवर्सल चैंपियन बनाने के हैं। मतलब जिस तरीके से रोमन रेंस वापस आए उनके पास सारा मोमेंटम था और जिस तरीके से उनको पॉल हेमन के साथ पेयर किया गया है WWE रोमन रेंस के इस मोमेंटम को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहेगी और इस तरीके से आपको गाइस ये चीज बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबल होती हुई दिखाई दे सकती है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रीगेन कर लेंगे पेबैक पेपरव्यू के अंदर ही और जो फीड का टाइटल रेन है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। जब तक स्मैकडाउन नहीं हुई थी तब भी आप लोग कह सकते हो यहां पर फीड का भी चांस था अच्छा खासा, लेकिन जिस तरीके से अब रोमन रेंस को दिखाया जा रहा है टेलीविजन के ऊपर जब भी कभी किसी एक सुपरस्टार किसी कैरेक्टर के पीछे इतना पुश करती है तो इसमें उसका मोमेंटम काफी तगड़ा होता है और उसको हमेशा जो है एक बड़े और मेगा पुश के ऊपर रखा जाता है
जाता है। और गाइज यहाँ पर तो ये रोमन रेंज है, तो गाइज जैसे मैं आप लोग कह सकते हो कि और भी ज्यादा रोमन रेंज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि पेबैक पेपरू के अंदर ही वो फीन को हरा देंगे, ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा देंगे और गाइज बन जाएंगे आपको यूनिवर्सल चैंपियन। बाकी एक्चुअल में होता क्या है उसके लिए तो भाई आपको पेबैक पेपरू का वेट करना पड़ेगा, जो कि भाई ज्यादा तो दूर है नहीं। लेकिन गाइज हम लोग चलते हैं अपनी आज के नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर से। अब गाइज आज जैसे ही फैंस ने देखा कि रोमन रेंज को पेयर कर दिया गया है पॉल हेमन के साथ, सबसे पहला क्वेश्चन जो फैंस के दिमाग में आया वो ये कि अब ब्रॉक लेसनर का आगे क्या। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं चैनल के ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि आखिर क्यों रोमन रेंज को पॉल हेमन के साथ जो है लाया गया है। वैसे वो ऊपर आई बटन पर भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी बना था क्योंकि ब्रॉक लेसनर का आगे क्या, वो जब वापस आएंगे तो क्या होगा। तो गाइज पॉसिबली यहां पर जो अब स्पेकुलेशन सामने आ रही है, फिर जो बातें आ रही है फैंस की तरफ से, यहां पर गाइज आपको पॉसिबल सिनेरियो देखने को ये भी मिल सकता है कि जब ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर अपनी वापसी करें तो गाइज वो हमको रोमन रेंज के साथ देखने को मिल सकते हैं। और WWE यहां पर हो सकता है थोड़े टाइम के लिए रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर को सेम पेज के ऊपर रखे। अब आपको पता है ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ का हिस्सा है, तो ऐसे में हमको डबल ड्यूटी भी देखने को मिल सकती है पॉल हेमन की तरफ से। अभी गाइज मैं आपको बता दूं, कोई भी टाइमलाइन नहीं है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की कि वो कब वापस आ रहे हैं, सर्वाइवर सीरीज में आ रहे हैं, रॉयल रंबल में आ रहे हैं, किसी को भी गाइज इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी यहां पर रूमर वगैरह नहीं है, तो गाइज अभी एग्जैक्टली इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको पता है ब्रॉक लेसनर को वापस तो आना ही है, तो ऐसा हो सकता है कि सेम टाइम पर पॉल हेमन रोमन रेंज को भी मैनेज करें और ब्रॉक लेसनर को भी मैनेज करें। और अगर किसी पॉइंट पर आकर WWE दोनों को साथ मिलाना चाहती है तो गाइज आपको रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही वियर्ड मैं कह सकता हूं टीम होगी, क्योंकि कभी भी कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता कि ब्रॉक लेसनर किसी के साथ टैग टीम में काम करेंगे। और इमेजिन तो हम लोग ये भी नहीं करते थे आज तक कि रोमन रेंज कभी हील सुपरस्टार बनेंगे या फिर उनको कभी पेयर किया जाएगा पॉल हेमन के साथ। लेकिन गाइज आपको ये भी याद होगा कि हमको बहुत टाइम पहले एक स्टोरी लाइन देखने को मिली थी जहां पर पॉल हेमन एक टाइम पर ब्रॉक लेसनर को भी मैनेज करते थे और वो सीएम पंक को भी मैनेज करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीएम पंक को धोखा दे दिया था और उसके बाद हमको दोनों इन क्लाइंट्स की जो है आपस में फाइट देखने को मिली थी, फ्यूड देखने को मिली थी। तो सिमिलर फैशन में गाइज WWE यहां पर ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज के बीच भी चीजों को कर सकती है और गाइज डेफिनेटली आपको इनके बीच एक बार फिर से मेगा फ्यूड देखने को मिल सकती है, जो कि WWE ने हमको पिछली बार भी कई मौकों पर दिखाई है, रेसलमेनिया के अंदर हम लोगों ने इनके मैचेस देखे हुए हैं। तो गाइज काफी इंटरेस्टिंग आगे सिनेरियो बन सकता है। और अभी से रोमन रेंज को पॉल हेमन के साथ पेयर किया गया, लेकिन बातें हो रही है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न तक की, तो गाइज आप लोग सोच सकते हो कितना बढ़िया माहौल बन जाएगा उस समय जब ब्रॉक लेसनर वापस से WWE के अंदर आएंगे। और उस टाइम पर WWE के पास मैं कह सकता हूँ काफी ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी कि वो अपनी जो स्टोरी लाइन है उनको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वैसे भी आपको पता है हाल फिलहाल में WWE की जो रेटिंग्स है उसके तो लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर WWE कुछ ऐसा करती है ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज के बीच जहां पर स्टार पावर भर भर के, तो डेफिनेटली इससे WWE को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो हमको इस चीज का वेट करना पड़ेगा कि रोमन रेंज सब आगे पॉल हेमन के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी जोड़ी होती है, कैसे इनकी केमिस्ट्री होती है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर WWE ने इनको पेयर कर दिया है, जो कि एक्सपेक्ट किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन क्योंकि अब रोमन रेंज हील हैं, तो इसमें जमता है उनका पॉल हेमन के साथ काम करना। और ये भी आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे पॉल हेमन रोमन रेंज की मदद कर पाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अब पॉल हेमन उनके साथ हैं, तो एक प्लस पॉइंट होगा रोमन रेंज के पास अपने मैचेस के अंदर कि उनके पास जीतने का और भी ज्यादा चांस है। और वैसे भी वो तगड़े स्टार पावर के साथ तो आते ही हैं, उनका नाम ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा है WWE के अंदर, तो ऐसा लग रहा है रोमन रेंज का जो करेक्टर है वो एक अलग ही लेवल पर जाने वाला है। लेकिन गाइज हमारी जो आज की वीडियो थी फिलहाल वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना, डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको आज चैनल पर अपलोड दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग उनको डेफिनेटली चेकआउट करो। बाकी आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि आप लोग क्या कहना चाहोगे रोमन रेंज एंड पॉल हेमन की जोड़ी के बारे में। साथ ही साथ गाइज आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।